बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने आखिरकार क्यों कहा है कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों बोले गिरिराज सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के गरीबों और पिछड़ों के नहीं हुए तो देश के कैसे होंगे, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। योजना के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए पूरे देश में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है, लेकिन बिहार की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए, देश के सभी राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग में शामिल हुए हैं। क्या बिहार सरकार को अति पिछड़ा से मोह नहीं है? आखिर पिछड़ों ने महागठबंधन की सरकार का क्या बिगाड़ा है? इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का बहिष्कार कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। यह योजना पिछड़ों व गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। नीतीश बाबू बिहार के गरीबों और पिछड़ों के नहीं हुए तो देश के कैसे होंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नीतीश कुमार को। तो बता दें कि फायर ब्रांड नेता कहे जाने में गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि अति पिछड़ों के लिए और गरीबों के लिए ये योजना लागू की गई है, इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में इसको अति पिछड़ों के पास ये योजना पहुंच सके और इससे गरीबों को मदद मिल सके। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो बता दें कि गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और अब इस पे देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।